गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अचीविया में। और आज मैं अपूर्व लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए, एक नोटिफिकेशन जो कि रेलवे ने दोबारा से जारी किया है। और जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है ALP और टेक्नीशियन पोस्ट का। इस नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि क्या बदलाव होने जा रहे हैं रेलवे में। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप उन्हें लाइक करें और शेयर करें। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि जो एग्ज़ाम रेलवे का होने वाला था अभी 24 दिसंबर से, अब वो रीशेड्यूल कर दिया गया है और अब वो 21, 22, 23 जनवरी 2019 को होने की संभावना है। और जो रिवाइज रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा? रिवाइज रिज़ल्ट अब 20 दिसंबर 2018 तक आएगा, जो कि आपको याद होगा 2 नवंबर 2018 को पहले आया था। उसके बाद बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने की क्वेरी थी कि कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, आंसर की को रिवाइज़ किया जाए, या जैसे 15 गुना लेने की बात हुई थी वो किया जाए। तो ऐसा काफ़ी चीज़ें नहीं हुई, तो रेलवे ने उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा, कैंडिडेट्स के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दोबारा रिज़ल्ट निकालेंगे। और अब वो जो रिवाइज रिज़ल्ट है वो 20 दिसंबर को आने वाला है। और ये भी अभी टेंटेटिव शेड्यूल है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 21, 22 और 23 जनवरी को एग्ज़ाम होना तय है। और दोस्तों, साथ में आप ये देखिए कि अब जो पार्ट ए और पार्ट बी है, इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन या सेक्शन का बाइफर्केशन कहें तो रेलवे ने वो भी लॉन्च कर दिया है। तो इसको देखिए, यहाँ पर जो पार्ट ए में 4 सेक्शन थे हमारे, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो इन 4 सेक्शन में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे। मैथ्स में 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग में 25 रहेंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 90 मिनट्स की है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन करने होंगे और 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर हम पार्ट बी को देखें, जो कि ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम था, ये ट्रेड से रिलेटेड था, तो वो 60 मिनट का रहेगा और 75 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे और उसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो दोनों एग्ज़ाम कम्बाइंड होंगे, एक साथ होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, 2.5 घंटे का पूरा एग्ज़ाम रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी कम्बाइंड एग्ज़ाम ही रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात यह है कि रेलवे ने अभी फिर नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला था पहले 19 नवंबर से, अब 24 दिसंबर हुआ, फिर अब 21 जनवरी हो गया। तो टाइम जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको नेगेटिव साइड से मत देखिए, इसको आप ऐसे देखिए कि आपकी प्रिपरेशन को आपको और स्ट्रॉन्ग करने का टाइम मिल रहा है। और प्रिपरेशन बिल्कुल मत छोड़िए, बिल्कुल रिलैक्स मत होइए कि नहीं अब अभी ज़्यादा टाइम मिल गया है, अब हम इसे बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करिए, बार बार रिविज़न करिए, जितना अच्छा हो सके, जितनी जगह से हो सके उतनी जगह से उसको बार बार पढ़िए, रिवाइज़ करिए और एग्ज़ाम दीजिए। और हमारे चैनल देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए नई वीडियोस के लिए, नए अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अचीविया, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।